हेलो। हाँ जी बोलिए सर। हाँ, तो आप मुझे ये बताओ, जैसे कोई कमर्शियल ऑडिट में ज्वाइन करता है, हाँ जी सबसे पहले तो पोस्टिंग उसकी कहाँ हो, कैसे होती है, क्या रहता है वो पूरा? कमर्शियल ऑडिट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है एम्प्लॉई के पास। जैसे सीजीएल का रिजल्ट आया और सीजीएल अलॉटमेंट डिपार्टमेंट सीजीएल ने सॉरी एसएससी ने डॉजियर्स अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को भेज दिए। तो जो डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करता है कि किस पर्सन को कमर्शियल ऑडिट दिया जाएगा, किसको सिविल दिया जाएगा। ऐसे अलग अलग विंग्स होती है, जैसे कमर्शियल, सिविल, डिफेंस होता है, रेलवे होता है। तो डिपार्टमेंट डिसाइड करता है वैकेंसी के अकॉर्डिंग और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो डिपार्टमेंट देता है। और कई बार ऐसा कॉमर्स होता है। स्ट्रीम है हाँ तो अगर अकाउंटेंसी वगैरह आपकी रही है ग्रेजुएशन में, हाँ तब आपको प्रेफरेंस मिल वो जाती है ना? हाँ ऐसा होता है इसमें कि अगर किसी के पास कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी उसने कोर्स किया हो, चाहे उसने ग्रेजुएशन में किया हो, मास्टर्स में किया हो, या कोई डिप्लोमा किया हो, या एक साल का कोई कोर्स कर लिया हो और उसने बाई चांस अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन में डाल दिया, तो होगा ये कि जितनी भी कमर्शियल वैकेंसीज होंगी कमर्शियल ऑडिट वाली वो सबसे पहले भरी जाएगी। वो उनके लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा कॉमर्स के स्टूडेंट को, कॉमर्स या फिर जिन्होंने भी कॉमर्स रिलेटेड कोई भी डिप्लोमा या कोर्स किया हुआ है। ठीक जैसे कि है। कई बार क्या होता है कि बीएससी करे हुए पर्सन ने एमबीए कर लिया, तो उसके एमबीए के बेस पर उसको कमर्शियल ऑडिट मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, कॉमर्शियल ऑडिट मिल गया, ठीक है। एक जी एक थोड़ा सा मिथ है, उसको पहले मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बच्चों को ये हाँ लगता है कि जो मैक्सिमम वैकेंसीज आती हैं वो हाँ सदर्न स्टेट में आते हैं, जैसे केरला में, तमिलनाडु में, ऐसा कुछ है क्या? इस जॉब में थोड़ा सा ऐसा होता है कि रिट्रेंचमेंट रेट थोड़ा ज्यादा है। ऐसे में जो लोग ज्वाइन करते हैं कुछ समय रहते हैं, उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दिया हुआ है तो वो निकाल के उस दूसरी तरफ चले जाते हैं। जिन्होंने नहीं दिया तो वो आने के बाद और फील्ड वगैरह पे जाते हैं, किसी को सूट करता है किसी को सूट नहीं करता है, तो वो लोग भी चले जाते हैं। होता ये है कि नॉर्दर्न स्टेट के जो पीपल हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन सदर्न स्टेट्स के जो लोग हैं यहाँ पर वो या तो यूपीएससी की तैयारी करेंगे या स्टेट पीसीएस की तैयारी करेंगे। इसी कारण से यहाँ की जो वैकेंसीज होती है, चाहे वो डब्ल्यू की हो या फिर किसी की भी हो, एसएससी के थ्रू जो भी पोस्ट होती है सबकी, उनमें वैकेंसी रहती है। जैसे लेकिन कि अभी मेरा हाँ, लेकिन नॉर्थ में भी रह सकते हैं ना? हाँ नॉर्थ में भी रहती है, बट इसका कोई भरोसा नहीं है क्योंकि ज्वाइनिंग से पहले जब आप स्टेट प्रोफाइल भर रहे होंगे उस टाइम पे आपको जो डिपार्टमेंट है वो बताता ही नहीं है कि कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है, बिल्कुल नहीं कौन बताते। से स्टेट में कौन सी विंग्स में, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस डाल सको, तो वो बताता ही नहीं है, वो रेंडमली अलॉट करता है। ठीक है। तो अच्छा, आपने एक चीज बताई थी मुझे कि एक तो जो पीएजी है उसमें कमर्शियल के थ्रू होती है, और एक एमएबी में, राइट? हाँ तो उसमें क्या क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए जो हमारा कंट्रोलिंग ऑफिस होता है ना वो पूरा जो देखता है वो दिल्ली देखता है ठीक है। कमर्शियल विंग का। हमें एक एक जैसे पीएजी ऑफिस है या एमएबी ऑफिस है वो दे दिया जाता है। ठीक है। कमर्शियल में दो विंग्स होती हैं, एक होता है आपका कमर्शियल ऑडिट जो कि आपका स्टेट वाइज होता है, जिसमें कि पीएजी जो पीएजी होते हैं उनके ऑफिस में इम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। ओके। एक होता है जो एमएबी होता है, एमएबी में जितनी भी ऑडिट होती है वो भी कमर्शियल नेचर की होती है। दोनों में फर्क क्या है कि अगर आप पीएचडी ऑफिस में हो तो वहां पर आपको सिर्फ स्टेट की जो पीएसयू है उनका ऑडिट करना है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप एमएबी ऑफिस में हो तो वहां पर आपको जितने भी सेंट्रल पीएसयू है उसके ऑडिट के लिए भेजा जाएगा। अच्छा, मतलब जिन जिन जो भी यूनिट्स हैं जिन पे सेंट्रल का टैग है कि भैया ये सेंट्रल की यूनिट है जिसमें सेंट्रल की फंडिंग है ना, हाँ, उसकी ऑडिट करेगा एमएबी, एमएबी मेंबर ऑफ ऑडिट बोर्ड। मेंबर ऑफ ऑडिट बोर्ड। और जिनका हाँ ये है कि जो स्टेट की यूनिट्स हैं, हाँ जैसे मान उनका जो लीजिए ऑडिट कि करेगा वो पीएजी। छत्तीसगढ़ में कोई छत्तीसगढ़ विद्युत बोर्ड हो, मान लीजिए ऐसा कुछ, हाँ, तो उसका फिर करेगा पीएजी, है ना, प्रिंसिपल पीएजी करेगा। अकाउंटेंट जनरल, लेकिन राइट? कुछ केसेस में ऐसा भी पाया गया है कि जैसे कि अभी तेलंगाना का ये आंध्र प्रदेश का डिवीजन फोर है, तो तेलंगाना को अभी भी कैपिटल मिला है, बट उसका जो ऑफिस था पीएजी वाला वो दोनों का ऑडिट कर रहा था अलग होने के बाद भी। ठीक है। तो मतलब ऐसे में आपको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी जाना पड़ रहा था, स्टेट बड़ा है तो। हाँ, उसमें मतलब एक जोन की तरह वो काम कर रहे थे, वो दूसरे स्टेट्स में भी ऑडिट कर रहे हैं। वो एक तरीका मतलब जैसे पहले अगर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश पूरा था, तमिलनाडु
पहले तो जो पीएचई ऑफिस था वो पूरे आंध्र प्रदेश तेलंगाना तेलंगाना दोनों को मिला के था, उसके लिए काम करना था मतलब पीएचई ऑफिस को। तो ऐसे में क्या था कि जो लोग पीएचई ऑफिस में थे वो तेलंगाना का भी ऑडिट कर रहे थे और आंध्र प्रदेश का भी ऑडिट कर रहे थे। ऑफिस जब तक अलग नहीं होगा तब तक वो करेंगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि स्टेट पीएसयू स्टेट से के बॉर्डर पे भी होती है और बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे स्टेट में भी हो जाती है, ठीक है। बहुत रेयर देखा गया है ऐसा केस। बट अगर बाई चांस ऐसे कोई पीएसयू है जो स्टेट में तो है ही बट स्टेट वो नेबरिंग स्टेट में भी है तो उसके इसमें से भेजा जा सकता है। ठीक। हाँ जनरली जो आपकी पोस्टिंग आती है वो क्या ये आप बाद में चूज कर सकते हो कि मैं पीएजी में रहूंगा या एमएबी में, या ये भी नहीं चुनूंगा? नहीं चॉइस कोई नहीं होती, चॉइस कोई नहीं होती, डायरेक्ट आपको ऑर्डर आते हैं। आपको अगर ज्वाइन टाइम दिया गया है तो ठीक है उतने दिन में आपको ज्वाइन करना, अदरवाइज इमिडिएटली आपको ज्वाइन करना पड़ता है। तो मतलब ये है कि ये पीएजी कॉमर्शियल या एमएबी कॉमर्शियल ये अलॉट होगा यहीं से, मतलब सेंट्रल से, है ना? हाँ, वो इसमें ट्रांसफर होता है। जैसे अगर कोई पर्सन अभी पीएचई में है, ठीक है, पीएचई ऑफिस में है तो और उसको ऑर्डर आ जाता है 5 साल बाद कि आपका ट्रांसफर इस स्टेट में एमएबी ऑफिस में किया जा रहा है, तो उसको वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। वो डिनाई नहीं कर सकता। कई ऑफिसेज में ऐसा होता है कि आप प्रमोशन लेंगे तो ट्रांसफर होगा। यहाँ ये भी है मतलब थोड़ा बहुत तो है, बट यहाँ ट्रांसफर बिना प्रमोशन के भी होते हैं। बिना प्रमोशन के भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली प्रमोशन पे ही होते हैं। अगर रिक्वायरमेंट है तो बिना हाँ प्रमोशन हाँ के हो जाएंगे, है ना? हाँ रिक्वायरमेंट है तो बिना प्रमोशन के हो जाते हैं और यहाँ होते ही है। हर 5 शुरू के 5 साल में हो जाएंगे। जैसे किसी ने ज्वाइन किया तो शुरू में 5 साल में ट्रांसफर होगा, ठीक ठीक है। है, और अगर उसके बाद फिर 3 साल में ट्रांसफर होता है, ड्यू हो जाता है 3 साल में। कई बार ऐसा होता है कहीं वैकेंसी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर ट्रांसफर नहीं होता। अच्छा, जैसे मान लो कि आपकी किसी को मिलता है बेंगलोर, ठीक है, कर्नाटका हाँ कॉमर्शियल, और जनरली ये है कि कॉमर्शियल में ट्रांसफर्स हैं, तो क्या यह वो 2-3 साल बाद वो लड़का है राजस्थान जयपुर का या बिहार हाँ पटना का, तो ट्रांसफर लेके हाँ जा सकता है अपने से, या उसके क्या है हिसाब किताब में, क्या प्रोविजन उस केस में उसको अभी जो रूल आया पहले 2 साल था, 2 साल का पीरियड प्रोबेशन कंप्लीट करके फिर ये से? ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते थे। अब क्या कर दिया है वो 3 साल कर दिया है, ठीक है। अभी रिसेंटली हुआ है वो। अभी एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट हुआ है या हो चुका है या होने वाला है, बट ऐसा रूल बन चुका है कि मिनिमम 3 साल डब्ल्यू रहना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर और ट्रांसफर के लिए खुद अप्लाई करते हैं तो उस केस में ज्वाइनिंग टाइम नहीं मिलेगा। ज्वाइनिंग टाइम मतलब तो 10-15 दिन का टाइम नहीं, मिलता है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या ट्रांसफर्स हाँ हो जाते हैं? जैसे बिहार का लड़का है, हाँ उस केस में हो जाता है, हो जाता अब है अभी अगर वैकेंसी है बेंगलोर, ना उस तरफ। हाँ, सब्जेक्ट वैकेंसी टू अब जैसे वैकेंसी। हाँ सब्जेक्ट टू वैकेंसी है, जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ट्रांसफर है ना वो सब्जेक्ट टू वैकेंसी है, और मतलब ये नहीं डेपुटेशन है भी ये कुछ कि, होते हैं इसमें। ये नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया तो आपका हो ही जाएगा। नहीं नहीं कोई गारंटी नहीं है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो डिपार्टमेंट है वो मोस्ट अनसर्टेन डिपार्टमेंट है। अनसर्टेन मतलब कि ऐसा नहीं कि बुरा बुरा है, मेरा कहने का मतलब समझिए कि समझ रहा हूँ। आपको पता नहीं होगा कि कल आप कहाँ रहोगे, क्योंकि आपको ऑर्डर आता है आपको फिर ऑडिट करने के लिए जाना पड़ेगा। ऐसे ही ट्रांसफर ऑर्डर आते हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑर्डर आ गया तो आपको जाना पड़ेगा 4 साल बाद 5 साल बाद, जब भी वो आता है तो जैसे ही आएगा आपको ऑर्डर आने के बाद निकलना पड़ेगा सामान के साथ। अच्छा, तो क्वार्टर्स वगैरह किसके हैं, सीपीडब्ल्यूडी के हैं आपके यहाँ या कैसे हैं? क्वार्टर्स डिपेंड करता है कि ऑफिस का जिस भी आप स्टेट में हैं उस ऑफिस के क्वार्टर्स हैं या नहीं है। कहीं अगर कहीं सीपीडब्ल्यूए के क्वार्टर्स हैं, कहीं कहीं ऑफिस के क्वार्टर्स हैं। सीएजी के, जहां मतलब ऑफिस के एजी के। क्वार्टर्स हाँ सीएजी के, जहां ऑफिस के क्वार्टर्स हैं मोस्टली वो भरे रहते हैं। अगर वो अच्छे हैं, उनकी लोकेशन आसपास ही है, दिखने में अच्छे हैं, नए बने हुए हैं, लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो मोस्टली भरे हुए मिलेंगे। बहुत कम चांसेस है कि नए बंदे को जाते ही मिल जाए। लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कि क्वार्टर्स तो हैं, लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी बिल्डिंग है या वहां पे जितनी भी फैसिलिटीज चाहिए होती है वो प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं है, तो उस केस में क्वार्टर खाली मिल जाएंगे, बट वो यूजलेस है। जब कोई रहना ही नहीं चाहता तो फिर क्या करेंगे कोई रहते। ऐसे ही यहाँ पर हाँ सीपीडब्ल्यूडी क्वार्टर्स मिलते हैं तो वो उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, बिड लगानी पड़ती है। बिड लगाने के बाद ही उम्मीद होती है, अगर सीपीडब्ल्यू के क्वार्टर खाली पड़े हैं तो मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो ये तो बात हो गई क्वार्टर्स की। ट्रांसफर हाँ पे अभी मतलब ये है कि 3 साल बाद, जैसे अगर मैं बिहार का हूं या राजस्थान से हूं और मैं अभी बेंगलोर में पोस्टेड हूँ, 3 साल बाद मैं अप्लाई कर सकता हूँ, राइट?
हाँ आप अप्लाई कर सकते हो 3 साल बाद। अप्लाई का मतलब ये नहीं कि आपने अप्लाई किया और 15 दिन में ट्रांसफर हो गया। अप्लाई का मतलब ये है कि आपका एप्लीकेशन रजिस्टर हो चुका है। हो सकता है मेरे ठीक से है, पहले भी बहुत लोगों ने अप्लाई किया हो तो वो उसी लिस्ट में रहेगा, है ना? पहले वो उनका वो लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, आपसे पहले जिन्होंने भी अप्लाई किया है वैकेंसी क्रिएट होगी तो पहले वो उनको क्लियर करेंगे। ठीक है। अच्छा ठीक एक है, चीज और, क्योंकि हाँ ठीक है, हाँ जैसे मान लीजिए आपका ट्रांसफर आ गया 5 साल बाद, ठीक, हाँ और आप चले गए किसी अदर स्टेट में, आपको भेज दिया गया, हाँ लेकिन आपका मन है कि यार फिर मैं वापस चला जाऊं अपने जहां पे मैं था वो, पहले, तो हाँ फिर उसके लिए क्या प्रोविजन? उसके लिए मिनिमम 2 साल वेट करना पड़ेगा वहां पर। तो वहां आप 2 साल जाइए। सर्व करेंगे, 2 साल फिर आप दोबारा ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे, फिर आपको भेजा जाएगा 2 साल बाद। बिल्कुल सेम केस था, एक वेस्ट बंगाल के सीनियर, मतलब DEO थे, प्रमोट हाँ हुए सीनियर EO बने, छत्तीसगढ़ आए, हाँ ट्रांसफर हुआ, फिर 2 साल उनको वेट करना पड़ा था। 2 साल बाद उन्होंने अपनी लगाई कि भाई मुझे हाँ वापस वेस्ट मिनिमम बंगाल दो भेज साल दिया आप जाए, बिल्कुल बिल्कुल 2 साल मिनिमम आपको बिताना पड़ेगा। और फिर कुछ टाइम लगा, 2-3-4 महीना जो भी, उसके बाद फिर वो चले गए। तो हाँ अगर हाँ हाँ सीट रहेगी तो फिर आप चले जाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जैसे ही सीट खाली होगी। सीट ही है, सब कुछ जो बेसिस है वो सीट्स का है। ठीक है, सब कुछ सीट्स पे टिका हुआ है। अगर सीट अवेलेबल है तो आपकी आपकी डिजाइन आपको आपकी डिजायर लोकेशन पे मिल जाएगा, लेकिन अगर ठीक है। सीट अवेलेबल नहीं है ना तो पोस्टिंग मिलेगी ना ट्रांसफर मिलेगा। अच्छा ये बताइए कि कितना हेक्टिक है डिपार्टमेंट, मतलब ऑडिट क्या टूर्स बहुत ज्यादा है? देखिए ऑडिट में प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि आदमी को ऑफिस में बैठने के चांसेस कम मिलते हैं, बाहर उसको रहना होता है मोस्टली। जैसे ऑफिस महीने में में दो तरह के बीस स्टाफ होते बाईस हैं, दिन एक या और ज्यादा? बिल्कुल वो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, 20 दिन, 22 दिन, 15 दिन, बिल्कुल महीने में कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी नहीं। मैंने आपको पहले बताया कि मोस्ट अनसर्टेन डिपार्टमेंट है, मतलब मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरा नहीं कहने नहीं का मतलब ये है कि यहाँ पर आप अनप्रेडिक्ट नहीं कर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सकते कि अगला दिन आप कहाँ होंगे, अगला काम आपके लिए क्या होगा। मेरा कहने का मतलब ये है। ठीक है, अगर आप ये गेस करते चले कि भाई महीने में 15 दिन का ऑडिट मिलेगा या फिर साल में 6 महीने का ऑडिट मिलेगा, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा और ना ही ऐसा होता है। अगर कोई WO बना है, WO का मतलब ही है उसको ऑडिट करना है। ठीक है। जो लोग ऑफिस में बैठे हैं ऑलरेडी, वो लोग ये नोटिंग वगैरह काम हो गया, या फिर जो हम लोग फाइल भेजते हैं, जो भी हम फाइल बना के भेजते हैं, क्लीन पार्टी जो फाइल बना के भेजती है उसको एडिट करके वो आगे प्रोसेस करते हैं, तो नए लोगों को वो काम नहीं दिया जाता क्योंकि उनको काम आता नहीं है। वो उनको पहले फील्ड पे ही भेजा जाएगा, उनको फील्ड पे भेज के काम सिखाया जाएगा। काम अच्छा जब सीखने मैं, के बाद 5-6 साल बाद फिर डिपेंड करता है कि अगर ऑफिस को रिक्वायरमेंट है उस पर्सन की ऑफिस में अदर मोर देन फील्ड, तो उसको ऑफिस में रखा जाएगा, अदरवाइज पर्सन फील्ड में ही रहता है। मतलब कमर्शियल में ये है कि शुरू में तो आपको फील्ड में रखेंगे ही रखेंगे ताकि आप काम सीख पाओ अच्छे से, है ना? शुरू में, बीच में, आखिर में आप बाहर ही रहेंगे। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ऑफिस में रखे जाएंगे। ऑफिस में लिमिटेड स्टाफ होता है। अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं कोई स्पेशल केस है, जैसे कि कोई डिफरेंटली एबल पर्सन है, उसको वॉक करने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको ऑफिस में रखा जा सकता है। किसी को मेडिकल इश्यू है, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम है, पेट की कोई प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बाहर का खाना नहीं खा सकता, ठीक है, उस केस में उसको मेडिकल प्रूफ देना पड़ेगा, तब कहीं जाके तो जो ऑफिस है उसको अग्री कर सकता है और आपको ऑफिस में बिठा सकता है। लेकिन ये वाली जो आपने प्रॉब्लम बताई ना, इस पे भी बड़ा वो करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन इसको फिर जस्टिफाई करना पड़ता है। देखिए हर यहाँ पर क्या है कि आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको जनरल रिक्वायरमेंट है ना, तो आपका रिक्वेस्ट कंसिडर किया जा सकता है। अगर कोई मतलब सिर्फ बातें बना रहा है, या वो चाहता नहीं है ऑडिट पे जाना, या उसको मन नहीं करता है, तो ऑफिस नहीं सुनेगा। ठीक है। अच्छा ऑडिट, ठीक है ऑडिट पे तो बहुत ज्यादा रहना है, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन हाँ ऑडिट क्या उतने ही हेक्टिक हैं जितने सिविल के होते हैं? जैसे सिविल में आप छोटे छोटे प्राइमरी स्कूल्स के भी जी ऑडिट आपको करने हैं, और बड़ा से बड़ा, हाँ हाँ मतलब गांव से गांव में भी जाना है और शहर में भी रहना है, हेडक्वार्टर मतलब हर जगह आपको ऑडिट करना है। कमर्शियल में एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि मोस्टली जो PSUs होती हैं वो शहरों में होती और या फिर हैं, उसकी बहुत यूनिट। अच्छा उनका मतलब कैंपस वगैरह रहता है ना? नहीं, अच्छा हर किसी का कैंपस अच्छा नहीं होता है। ओके। मोस्टली PSU जो, अगर आप सेंट्रल PSU की बात करेंगे ना, तो वो तो बहुत अच्छी होती है। आपको वहाँ का गेस्ट हाउस मिलेगा,
आप गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज होती है वहां पर, ठीक है, वहां कोई डाउट नहीं है। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि सेंट्रल टीएसटी में आदमी को बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, दूर इन ठीक द है, सेंस। डिस्टेंस बहुत ज्यादा जाती है। जैसे कि मतलब दिल्ली से एमपी आ गए, दिल्ली से ऊपर उत्तराखंड चले गए, तो सेंट्रल टीएसटी के ऊपर डिपेंड करता है आप किसका ऑडिट कर रहे हैं और आपको उसका जो ब्रांचेज है वो कहाँ कहाँ है। लेकिन स्टेट पीएससी जो होती है वो सारी प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती है, बहुत सारी ऐसी होती है जो लॉस मेकिंग होती है, तो उनके यहाँ ना तो आपको गेस्ट हाउस मिलेगा ना ही कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। स्पेशल ट्रीटमेंट का मैं कहने का मतलब है कि जैसे कि कई बार क्या होता है, आप कहीं जाएंगे तो आपको एटलीस्ट पानी पूछा जाएगा, चाय पूछी जाएगी, ठीक है, कई जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपको ये दोनों चीजें भी नहीं पूछी जाएगी। कोई है ही नहीं है, हाँ, लगभग लगभग खाली बंद होने पड़ी, वाले हैं। या तो खाली पड़ी है या बंद होने वाली है, या वहां पर प्रॉफिट बहुत कम है कि उनके पास पैसा ही नहीं कि वो किसी के ऊपर खर्च कर सके, तो इस तरह की चीजें होती हैं। ठीक। तो उसके जैसे आप हैं तो क्या आपको बहुत दूर दूर भी ऑडिट करने जाना पड़ता है एमएबी दूर का मतलब स्टेट का बॉर्डर, में? ओके, स्टेट अगर का। आप महाराष्ट्र में हैं, महाराष्ट्र का पूरा बॉर्डर देख लीजिए, आपको बॉर्डर मतलब महाराष्ट्र के कोने कोने तक जाना पड़ सकता है अगर वहां पर पीएसयू है, तो मैं पीएसयू सेंट्रल या उसका यूनिट। सेंट्रल पीएसयू की बात कर रहा हूँ, वो तो थ्रू आउट इंडिया पीएसयू के मालूम केस में डिपेंड करता है कि अगर दिल्ली में रजिस्टर्ड है और उसकी जो सब यूनिट है वो केरला में है या कर्नाटका में है या फिर तमिलनाडु में है, तो वहां से आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, फ्लाइट का आने जाने का खर्चा दिया जाएगा आपको, सरकार ऑब्वियसली देती है। ऑब्वियसली। हाँ, वो आपको टिकट करवा के देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर बार आपको अपनी जेब से लगाना पहले और बाद में मिलेगा। आप ऑफिस में एडवांस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, टिकट ऑफिस के थ्रू करवा सकते हैं, आपको कोई एडवांस देने की जरूरत नहीं है, ऑफिस टिकट करवा के देगा, फ्लाइट से अप डाउन करेंगे आप। अप डाउन करने का मतलब ये है कि ऑडिट शुरू होगा तो आप करेंगे, ऑडिट खत्म होगा तो डाउन करेंगे। ऐसा नहीं है कि बीच में आपको छुट्टी चाहिए 3 दिन की तो आपको ऑफिस पैसा देगा फ्लाइट का आने जाने का, तो नहीं। फिर आपको वो करना पड़ेगा, है ना? हाँ, वो आपको खुद बेयर करना पड़ेगा। और ऐसा हमेशा नहीं होता कि दूर दूर का ही ऑडिट मिलता है, कई ऑफिस रहते हैं जो सेंट्रल पीएसयू के हैं और मतलब सेंट्रल पीएसयू का जब ऑडिट करते हैं कई बार टीम ऑडिट करती है, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा दूर जा रही है, हो सकता है 400-500 किलोमीटर जाना पड़े या 600 किलोमीटर की डिस्टेंस से जाना पड़े और फिर वापस ऑफिस में बुला लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई कई महीने जो टीम होती है वो ऑफिस का मुंह नहीं देख पाती, क्यों? अच्छा। क्योंकि जैसे उनका एक ऑडिट स्टार्ट हुआ अभी, उनको भेज के 600 किलोमीटर दूर, ठीक है, ये स्टेट में भी हो सकता है और एमएबी में भी हो सकता है, दोनों में किसी में भी हो सकता है, तो भेज दिया और जैसे ही पहला ऑडिट खत्म हुआ उससे पहले नेक्स्ट प्लान आ जाता है। वो आपको जैसे होता है कि भाई आप खाना खा रहे हैं, थाली में लास्ट रोटी खत्म होने से पहले आगे की रोटी आ जाती है, ठीक ठीक है, ऐसे ही होता है कि पहला प्लान खत्म होगा उससे पहले आपको दूसरा प्लान मिल जाएगा, फिर आपको उसके अकॉर्डिंग यूनिट पे जाना पड़ेगा वहीं से सारे। तो कुछ के साथ तो मतलब मैं ट्रेनिंग पे था तो मैंने उनसे डिस्कस किया था, तो उन्होंने बताया कि कई बार ऐसा हुआ है कि वो 2-3 महीने ऑफिस नहीं गए हैं, ऑफिस नहीं गए मतलब हेड ऑफिस नहीं गए, यूनिट पे ऑडिट ही कर रहे हैं वो रेगुलर, जो भी ओके। उनकी फाइलिंग है रिकॉर्ड्स है वो कॉरियर के थ्रू भेज देते हैं। तो अभी तो ऑनलाइन सिस्टम आ गया, तो ऑनलाइन में रिकॉर्ड फिजिकली नहीं भेजने होते, ऑनलाइन डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं, तो अब वो कॉरियर वाला सिस्टम खत्म हो गया है, तो वो इजी है, ऑनलाइन वाला बेटर है पहले से। टीएडीए तो टीएडीए तो मिलेगा ही पूरा, है ना? देखिए, अगर आपको एमई जो एमईबी की जो कंपनीज होती है, बड़ी सेंट्रल पीएसयूज हैं, वो अगर आपको गेस्ट हाउस दे रही है तो आप अपना जो दिल्ली का रेंट होता है वो क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ऑलरेडी रहने की जगह मिल रही है, जिसके जितने जितने के लिए भी आप एलिजिबल हैं तो वो आपको नहीं मिलेगा। खाने के लिए जो 800 रुपये मिलता है खाने पीने के लिए, वो आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक। हाँ, वो आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको जो सेंट्रल पीएसयू वो आपको खाना दे रही है, और दे भी रही है तो जरूरी नहीं कि वो आपको पसंद आए, बाकी बहुत सारी आप अपनी चीजें हैं मर्जी। जो ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेंगे, है ना? देखिए, ग्राउंड रियलिटी तो आपको ज्वाइन करने के बाद ही पता चलती है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप चाहे कितना ही सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे, कितना ही इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए, ठीक, या तो आप किसी टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप है जहाँ पर ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं 2-3 साल से, उनसे डिस्कस कीजिए, उनसे अपने डाउट क्लियर कीजिए, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली किसी पर्सन से बात कीजिए फेस टू फेस। पर उसका भी तो बहुत ज्यादा वो है नहीं ना, जहां मिलना होगा वहीं मिलेगा, ठीक है? ये हाँ, तो एक देखो, आप कुछ भी जनरल कर ओवरव्यू लीजिए, दे देगा, है ना? हाँ,
जनरल बिजी रहेगा, ओवरव्यू देता है पर्सन, और वो भी अपना एक्सपीरियंस बताता है, पूरे भारत का एक्सपीरियंस नहीं बता सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे ना तो वहां पर आपको लोग मिलेंगे आपके जैसे, जो अभी अभी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, वहां आपको पता लगेगा कि उनके ऑफिस में क्या कंडीशन चल रही है। कई बार ऐसा होता है कि हाँ बोलिए, हाँ बोलिए ना, कई बार ऐसा होता है कि एक ऑफिस अपनी एक यूनिट है ना किसी बड़ी कंपनी में बना देता है, उसको रेजिडेंशियल ऑडिट ऑफिस कहते हैं, आरएओ, हाँ आरएओ कहते हैं उसको। उसमें बड़ी कंपनीज होती हैं तो उसका रेगुलर ऑडिट चलता है, ऐसा नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, बड़ी कंपनीज होगी तो उसका आरएओ बना दिया जाएगा, आरएओ में वो कंपनी में ही मतलब कहीं ना कहीं स्पेस ले लिया जाता है, वहीं पर ऑडिट ऑफिस बन जाता है और वो रेगुलर ऑडिट करता है। अगर आपकी पोस्टिंग आरएओ में होती है जनरली उसके चांसेस कम होते हैं, फीमेल को प्रेफर करते हैं उसमें, उसका कारण ये होता है कि कई फीमेल ट्रैवलिंग नहीं कर पाती। हाँ फीमेल को भी करते हैं, इवन मेल्स को भी करते हैं, जैसे अभी मैं, हाँ मेल को भी करते हैं, मेल को भी करते हैं, मतलब अगर उतनी फीमेल्स नहीं है तो फीमेल को, मतलब देखिए नॉर्थ में अगर आप देखेंगे ना तो फीमेल आपको कम दिखाई देगी, एक ऑफिस में दो या चार, मतलब अगर मान लीजिए 15 लोग 20 लोग आए हैं ऑफिस में तो उसमें 2 या 4 फीमेल होंगी, तो उस केस में कोशिश किया जाता है कि उनको मतलब ऑफिस में रखा जाए या फिर आरओ में रखा जाए। तो आरओ वाला तो काफी बढ़िया हो जाता है, नहीं मतलब ट्रैवलिंग नहीं करनी रहेगी, बिल्कुल नहीं ट्रैवलिंग नहीं करना, ऑफिस हेड ऑफिस में रहें या आरओ में रहें, ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ती उसका, बिल्कुल ट्रैवलिंग नहीं, वही जैसे वो आपको बस सवेरे आना जाना होता है वैसे ही होगा। अगर सेल का ऑडिट है, जैसे अभी मेरे एक सीनियर है, वो दोस्त है वहां पे, ठीक है, वेस्ट बंगाल, तो उनका क्या था कि सेल की उसमें आरएओ में थे वो, ठीक है, तो सेल ने ही क्वार्टर दे रखा था प्रॉपर, हाँ। जब सेल क्वार्टर देगी तो वो काफी बढ़िया क्वार्टर देगी, क्योंकि आप बिल्कुल बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हो, बिल्कुल बिल्कुल, आप एक बहुत, उन्हें आपको क्वार्टर मिलते हैं। मुंबई में भी ऐसा है, मुंबई में कंपनी का नाम तो मुझे बिल्कुल याद नहीं है, मेरे कलीग हैं, उनकी वाइफ है, वो सेम मतलब सेम डिपार्टमेंट है, दोनों डबल ही है, तो उनकी वाइफ को मिला हुआ है उस कंपनी की तरफ से, उनका एचआर तो कट जाता है, एचआर नहीं मिलता उनको, बट कंपनी की तरफ से जो क्वार्टर मिला हुआ बहुत बढ़िया है, और काम में भी कोई परेशानी नहीं है, डेली उनका जो अप डाउन होता है वो नॉर्मल नॉर्मल होता है, जैसे लोग करते हैं ऑफिस में, मतलब बहुत ही बढ़िया हो जाता है, लेकिन वही है कि इसके चांसेस कम है, बहुत ज्यादा नहीं, चांसेस कम है, देखिए वो ऐसा ही एक ना सौ बीमार वाली कहानी है, उसमें आपको बहुत कम चांसेस है कि मिलेगा, रेयर होता है, अगर आपकी किस्मत ऐसी रही कि आपको ऑफिस में मिला कि जहाँ पे इस तरह का पीएसयू का आरएओ है, उसमें भी ये डिपेंड करता है कि आपका मतलब बाकी लोगों का आपकी तरफ पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मतलब जो आपके सीनियर्स है जो अपॉइंट करते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अगर उनको लगता है कि अपॉइंट करना चाहिए तो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बेसिकली जो कोर वर्क है ना डब्ल्यू का, वो फील्ड पे ही है, बिल्कुल ऑडिट ऑडिट करना ही है, उनका जो काम है वो सारा सारा यूनिट पे है, जैसे कि डिफेंस में होते हैं अपने जो सैनिक होते हैं प्रदेश के, वो उनका जो कोर वर्क है वो बॉर्डर पे ही है, बिल्कुल। अच्छा एक चीज समझते हैं, हाँ, कि प्रमोशंस के क्या एस्पेक्ट है, मतलब ऑडिट तो है खूब, लेकिन प्रमोशंस भी तो सबसे बढ़िया इसी पे है। इस जॉब में आज के डेट में सिर्फ एक प्रमोशन है पूरी लाइफ में। ओके, कितने साल बाद? 12 से 14 साल बाद एक प्रमोशन होता है, 7 साल बाद डी हो जाता है, लेकिन वैकेंसी ना होने की वजह से वो 12 से 14 साल खींच लेता है, मतलब डिपेंड करेगा वैकेंसी आपके स्टेट में, वैकेंसी अगेन वही वैकेंसी इज द की, वैकेंसी है तो आपका प्रमोशन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। लेकिन अगर कोई रिस्ट्रक्चरिंग होती है डिपार्टमेंट में या कोई नई पोस्ट क्रिएट होती है वहां बेनिफिट मिल सकता है, ऐसी बात चल रही है कि होल लाइफ एक ही प्रमोशन होता है तो इसको कुछ किया जाए, इसका मतलब बीच में कुछ पोस्ट बनाए जाए ताकि प्रमोशन हो, लोगों को थोड़ा इंक्रीमेंट मिले, इंक्रीमेंट भी मिले और साथ में इंकरेजमेंट भी मिले, कि ऑडिट मैनेजर नाम से पोस्ट बनाने की बात चल रही थी। हाँ हाँ, और जैसे एक डब्ल्यू अगर कोई पर्सन एक डब्ल्यू ज्वाइन कर रहा है तो उसका अभी जो है मैक्स सीनियर ओ बनता है, वो सीनियर ओ के बाद बनने के बाद वो एटी बनता है, असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल, उसका डीएसी बनता है नहीं बनता, अभी मैंने कल परसों ही कोई नोटिफिकेशन पढ़ा, एग्जैक्टली था नहीं वो, अगर डीएसी बनेगा नहीं बनेगा उसका श्योर नहीं है मुझे, ठीक है, डीएसी बहुत ही रेयर होता है कोई बनेगा,
रेयर है क्योंकि जो INAD है ना, मतलब जो यूपीएससी के थ्रू आता है, आपको डिग्री मोस्टली वही मिलेगी। कोई हाँ बिल्कुल वही मिलेगी। कोई 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 मिलेगा जो आपको डिग्री डबल ए से सीनियर ए से डीएजी बनेगा, ठीक है बहुत ही, क्योंकि एक ऑफिस में एक या दो डीएजी होते हैं ठीक है। और बाकी के आपको हिसाब बताइए। ठीक। अच्छा कॉमर्शियल में ये कैसा वर्कलोड, क्योंकि ऑडिट तो खूब है और मेरे ख्याल से कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे होंगे तो उन्हें हाँ कंपनी अकाउंट देखने को मिलेगा है ना, फुल हाँ अकाउंटेंसी देखेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो मजा तो हाँ आएगा, रिलेट कर पाएंगे, लेकिन क्या बहुत ज्यादा काम है या ठीक है? फाइनेंशियल ऑडिट में कमर्शियल लोग आते जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइनेंस ही ऑडिट करते हैं। ऑडिट तो सारी हो जाएंगे इसमें। तीन तरह के ऑडिट होते हैं, एक होता है अकाउंट्स ऑडिट, एक होता है कंप्लायंस ऑडिट, एक होता है परफॉर्मेंस ऑडिट। अकाउंट्स ऑडिट जो मेन ऑडिट होता है वो बहुत कम डेज मिलते हैं, उसमें वो ही जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है कंपनी का उसको ऑडिट करते हैं। ऐसे ही कंप्लायंस ऑडिट में कंपनी रूल्स, जो गवर्नमेंट के रूल्स है उसको कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं उसको देखा जाता है। ऐसे ही परफॉर्मेंस ऑडिट होता है। तो जब आप किसी भी ऑडिट पे जा रहे हैं, जहां तक प्रेशर की बात है, प्रेशर डिपेंड करता है कि आपका जो हेड है ऑफिस का वो कितना प्रेशर डाल रहा है काम को लेके। बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि किसी ऑफिस पे कोई भी पैरा एनुअल रिपोर्ट में नहीं छप पा रहा है, जो भी स्टेट से जितने भी पैरा जा रहे हैं रिलीज आके ड्रॉप हो जा रहे हैं, तो ऐसे केस में प्रेशर आएगा और सबको पैरा निकालना कंपलसरी है। ठीक है, कहीं 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 ऐसा है कि एम्प्लॉयज सिंसियर हैं, वो पैरा निकाल लेते हैं। पैरा निकालना ऑलमोस्ट हर एक ऑडिट में आप पैरा निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जितने भी ऑडिट यूनिट हैं वो उनमें से परफेक्ट यूनिट भी मिलेगा आपको, ऐसा कुछ नहीं है। हर कंपनी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी होती है जिसका आप पैरा बना सकते हैं, वो आपको बनाना ही बनाना है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सीनियर कौन है। अगर सीनियर पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है, आप काम सिखा रहा है, आपसे काम ले रहा है, आपको टाइम दे रहा है सिखाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बॉस आपका बॉसी है, मतलब बहुत ज्यादा एग्रेसिव है या डोमिनेटिंग है, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। वो तो हर ऑफिस में है। वर्कलोड यही है कि आप जब भी आप यूनिट पे जाएंगे तो आपको टाइम कम मिलेगा। टाइम मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, एक ऑडिट के लिए कभी 8 दिन, कभी 12 दिन, कभी 16 दिन ऐसे मिलते हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको ढूंढना पड़ता है, मतलब कि कुछ कुछ चीजें तो सामने दिखाई दे जाती है कि भाई यहाँ पे ये कमी है, हम इससे पैरा बनाते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपको बहुत डीप जाना पड़ता है, तब कहीं जाके आप पैरा निकाल के आ पाते हैं। वहां थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, वहां आपसे पूछा जा सकता है कि आप ऑडिट पे गए थे, आपने एक पैरा नहीं बनाया, वहां प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज वर्कलोड डिपेंड करता है, मैं आपको दोबारा बताऊंगा मतलब आप बहुत कि परेशान आपके हुए या नहीं हुए हाँ वो काम के लोड बॉस से, बॉस के लोड से नहीं, काम के लोड से। काम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा काम दे दिया, आप दिन में भी लगे हैं रात में भी लगे हैं, नहीं उतना नहीं है, है काम है, ऐसा नहीं है काम नहीं करना आपको, काम तो करना ही है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर बहुत सारा पहाड़ डाल दिया काम का और आपको करना ही करना, नहीं। काम इस तरह का है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। ठीक है, काम बहुत सारा है क्योंकि कमी एक एक दो तो होती नहीं कंपनी में, कंपनी में बहुत सारी कमियां होती हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है, टाइम अगर आपके कितना पास और टाइम ज्यादा है, हाँ आप कितने टाइम, पैशनेट हो, कितने कॉम्पिटेंट हो है ना। हाँ अगर आप कॉम्पिटेंट है तो आप कम टाइम में भी ज्यादा पैरा निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको काम नहीं आता है तो ज्यादा टाइम में भी आपके कम पैरा निकलेंगे। बिल्कुल और काम जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे जो मतलब आप रिलैक्स होकर चले जाएंगे। शुरू में तो जब आपको काम नहीं आएगा, आप उस आप सीखेंगे वहां तो आपको इतना कोई खास प्रेशर रहेगा नहीं, आपसे कोई पूछेगा नहीं कि भाई आपने क्या काम किया कितना किया। आपका जो टीम का लीडर है, जो सीनियर है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने आज क्या सीखा, आपने आज क्या काम किया। अदरवाइज ऐसा कोई खास प्रेशर नहीं है। ऑफिस ऑफिस पर डिपेंड करता है, कई ऑफिस में प्रेशर होता है, जो सीनियर होते हैं वो टीम मेंबर्स पे डालते हैं प्रेशर कि आप कैसे भी करके पैरा निकालिए। ठीक है, आपको काम भी बताएंगे कैसे करना है, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। और कई ऑफिसर्स के मतलब हेड जो होते हैं वो सीनियर को प्रेशर डाल रहे होते हैं कि भाई आपकी टीम से अभी तक कोई पैरा नहीं आया, या फिर पैरा जो आ रहे हैं बहुत वीक आ रहे हैं, आप थोड़ा स्ट्रांग पैरा बनाइए। जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो है हमारी एनुअल रिपोर्ट।
जब तक उसमें छपने लायक कोई पैरा नहीं बनता तब तक प्रेशर रहता है। तो उस तरह का ऑब्जेक्शन आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना, कमी निकालनी पड़ेगी। हाँ, कमी निकालनी होगी आपको, आपको वहां जाके मतलब कमियां निकालनी नहीं, कमियां ढूंढनी है। कमियां तो बिल्कुल। ऑलरेडी ही होती है, आपको ढूंढनी है। हाँ बस इतना ही है, बाकी ऑफिस टू ऑफिस डिपेंड करता है, कहीं पे प्रेशर है कहीं पे प्रेशर नहीं है। प्रेशर का मतलब और कुछ नहीं है, जो ह्यूमन बीइंग है वो कितना किस चीज को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। कहीं पे काम काम सेम सेम है, जैसे जो काम दिल्ली में है, दिल्ली तो नहीं एग्जाम्पल दूंगा, वहाँ हेड ऑफिस हो जाता है, आप बाहर आ जाइए, जैसे कि जो काम हरियाणा में है वही यूपी में, ठीक है, काम दोनों में एक जैसा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका सीनियर उस काम को आपसे प्रेशर डाल के करवाता है कि नहीं करो करो, दिन में 4 बार पूछता है कि क्या किया, या सर एक सीनियर है जो आपको गाइड भी करता है, सजेस्ट भी करता है और आपके साथ खड़ा रहता है हर वक्त। अगर ऐसा सीनियर आपको बहुत मिल जाता है तो बहुत अच्छी किस्मत है आपकी, और आप अच्छे से टाइम काट सकते हैं, टाइम काटने मतलब अपना ऑडिट कर सकते हैं। बट अगर आपको बहुत सी सीनियर मिलता है तो फिर वो प्रेशर वाली बात आएगी, आपके मन में आएगा कि बहुत सारा प्रेशर। काम को कोई वो नहीं है कि काम 10 यूनिट का है या 100 यूनिट का है, बस आपको करके लेके आना है, ऐसा है। अच्छा, मेरे से कुछ रह गया हो, मैंने कोशिश तो की है सारी चीजें कवर करने की, फिर भी अगर कुछ रह गया हो, आपको कुछ लगता है कुछ छोड़ दिया हाँ मैंने, कोई हाँ स्पेशल बेनिफिट हो इसमें या कोई स्पेशल आपको लगा नहीं नहीं कि स्पेशल बेनिफिट के नाम पे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा कि अगर कोई ये कंसिडर करके आ रहा हो इस डिपार्टमेंट में कि ऊपर का पैसा बहुत मिलता नहीं, है, नहीं, ऑडिटर ऊपर को नीचे की कमाते बात वो नहीं कर सब। रहा, जो रूल में है उसी की बात कर रहा हाँ तो देखिए, जो 100 टेबल वाला है वो ऐसा कुछ नहीं है, वो हूँ। अफवाह है, ठीक है, ये कहने की बात है कि वहां मिल रहा है वहां मिल रहा है, जिनको जो अंदर है डिपार्टमेंट में वो जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बाहर वालों को लगता है कि हाँ बहुत कुछ मिल रहा है। बाकी आपका, आप जब ऑडिट पे जाएंगे तो आपको आने जाने का मिलेगा, ठीक है, आप रुकेंगे कहीं पे, जिस भी होटल में रुकेंगे वहां पे रुकने का मिलेगा, आपको डेली का जो खाना पीना होता है आपका उसका पैसा मिलेगा, फिर जो आपका जो बेनिफिट्स होते हैं जैसे LTC हो गया, या आपको बैग का पैसा मिलता है, 3 या 4 साल में मिलता है, एक बैग के 4 या 5 हज़ार रुपये मिलते हैं, आप उससे बैग ले सकते हैं, क्योंकि आपको ट्रैवलिंग करनी है तो बैग की जरूरत है आपको। कंपनी कई ऑफिसेज आपको लैपटॉप भी देते हैं, क्योंकि आप तो सारा ऑनलाइन हो चुका है, तो कई ऑफिसेज में ऐसा है कि फंड की कमी है तो वो लैपटॉप सबको नहीं दे पाते, एक एक लैपटॉप हर पर्सन को नहीं दे पाते, तो वो क्या करते हैं कि एक सीनियर होता है उसी को लैपटॉप दिया जाता है, बाकी पूरी टीम उसी लैपटॉप में काम करती है, अपलोड करते रहते हैं, मतलब जो ऑनलाइन काम होता है उसके करने के लिए वो यूज करते हैं। अदरवाइज अगर फंड है ऑफिस में तो हर पर्सन को एक एक लैपटॉप दिया जाता है ऑफिस की तरफ से, तो लैपटॉप आप यूज कर सकते हैं, ऑफिस पर्पज के लिए भी, पर्सनल पर्पज के लिए भी, कैसे भी यूज कर सकते हैं। ऑफिस अगर जितने भी ऑफिस हैं उन सब में जो फील्ड का काम है आदमी खुश रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बुरा काम है, तो काम बहुत अच्छा है, अच्छा इन द सेंस कि कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, जो प्रॉब्लम है वो है थोड़ा सा जैसे फैमिली से दूर रहना पड़ता है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो आपको ये माइंड में रखना चाहिए कि आप फैमिली के साथ नहीं रह पाएंगे, आपकी लाइफ का जो आप ये ज्वाइन किया आपने जिस जिस दिन से और रिटायर होंगे जिस दिन तक, मोर देन 50% टाइम जो है वो आपसे, आप अपनी फैमिली से दूर रहेंगे, फैमिली के साथ टाइम बिताने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि एक ऑडिट खत्म होता है उससे पहले नया ऑडिट आ जाता है। हाँ अगर बाई चांस आपका ऑडिट आपके घर के आसपास है तो आप डेली अप डाउन कर सकते हैं, वहां पर आप उस केस में अपना जो होटल रेंट है वो क्लेम नहीं करेंगे बस, और बाकी जो नॉर्मली बेनिफिट्स मिलते हैं जो बी ग्रेड ऑफिसर को वो सब आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, बिल्कुल, और आप जो भी चाहें, अगर कोई और भी डाउट है तो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कमर्शियल में ऐसा नहीं है कि जिसको के पास कॉमर्स है उसको कमर्शियल मिलेगा ही मिलेगा। अगर मान लीजिए 200 पीपल हैं जिन्होंने WA की पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है, उसमें से 100 लोग हैं जो कॉमर्स वाले हैं, लेकिन वैकेंसी सिर्फ 50 है कमर्शियल में, तो 50 को ही मिलेगा फिर। तो सिर्फ 50 को मिलेगा। अब ये भी नहीं है कि टॉप 50 को मिलेगा या बॉटम 50 को मिलेगा, किसी वो भी स्टेट 50 को वाइज देख मिलेगा। के मिल जाएगा, है ना, हाँ आपकी स्टेट तो प्रेफरेंस किसी क्या भी, है, वहां पे कौन सी है। हाँ, तो किसी भी 50 को मिलेगा, और बाकी जो 50 है वो या तो सिविल ऑडिट में जाएंगे जिनको कि परमानेंट उसी स्टेट में रहना पड़ेगा क्योंकि सिविल में ट्रांसफर नहीं है, या अगर मान लीजिए कहीं वैकेंसी है डिफेंस ऑडिट में या फिर रेलवे ऑडिट में, तो
उनको वहां पोस्ट किया जाएगा। तो अगर कॉमर्स है किसी के पास तो उसकी कोई गारंटी नहीं है उसको कमर्शियल ऑडिट मिलेगा, लेकिन चांस रहेंगे, हाई चांस, बट जरूरी नहीं, हाई चांसेस है मिल नहीं है, जीरो तो आप कर ही नहीं सकते, मिल बिल्कुल नहीं है, हाई चांसेस है कि आपको कमर्शियल ऑडिट मिलेगा। कमर्शियल ऑडिट में ट्रांसफरेबल जो होता है, ट्रांसफरेबल जॉब के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको सारे मिलेंगे, जैसे कि आपके बच्चे का स्कूल का एडमिशन जो है वो केवी में हो सकता है अगर आप कराना चाहते हैं, प्रेफरेंस दिया जाता है कैंडिडेट कॉलेज में ट्रांसफरेबल जॉब में। और आप रजिस्टर्ड पोस्ट में हैं तो जैसे आप कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो गेस्ट हाउस होते हैं गवर्नमेंट के, वहां पर आपको कंसेशन रेट पर रूम मिलते हैं। और क्योंकि आप रजिस्टर्ड ऑफिसर हैं तो आपके पास स्टैम्प भी होता है, अगर आप मतलब आपके पास साइनिंग पावर होती है, आई मीन तो आप अपना जो डिजिटल सिग्नेचर है, स्टैम्प है, वो बनवा सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, बट अपने रिस्क पे, क्योंकि वो जाहिर सी बात है आप कहीं भी साइन करेंगे तो वो आपको पता होना चाहिए आप क्या साइन करेंगे। और अभी तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं है मुझे कुछ कह रहा है, बाकी आप जब भी आपको कोई याद आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ जी जी, और कन्वर्सेशन को एंड कर रहा हूँ यहीं पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके सर, थैंक यू।